हरियाणा में अमित शाह ने किया नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश, कल शपथ ग्रहण। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत 5 मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं, बाहर से समर्थन। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के अगले दिन शिंदे सरकार ने जारी की रिपोर्ट कार्ड, आज शाम दिल्ली में बीजेपी करेगी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। दिल्ली में आपने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, केजरीवाल का संदेश लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता, कैंपेन लॉन्च करते हुए मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल। एससीओ समिट में बिना नाम लिए जयशंकर ने चीन पाकिस्तान को घेरा, बोले आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता, बेहतर रिश्ते के लिए ईमानदार पड़ोसी और भरोसा जरूरी। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, शरीर में 22 छर्रे मिले, आरोपी अब्दुल हमीद के 12 बोर की बंदूक से चली थी गोली। थूक जिहाद के खिलाफ यूपी में जल्द कानून लाने की तैयारी के बीच उत्तराखंड में भी सख्ती, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का पुष्कर सिंह धामी का आदेश। दिवाली से पहले केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, 3 महीने के एरियर के साथ मिलेगी अक्टूबर की सैलरी, कई रबी फसलों की एमएसपी भी बढ़ी।